वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो है हम बात कर रहे थे, तबीयत ख़राबी की सूरत हाल जो चल रही है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट के ठीक हो जाए तबीयत और आगे बढ़ेंगे। कुछ बात कर लेते हैं। मौलाना साहब के मार्च के चर्चे हर सू हमें दिखाई दे रहे हैं और मौलाना साहब का मार्च जो है अपनी मंजिल की जानेब रवा दवा है। ये देखना होगा कि अब मौलाना का मार्च कितना कारामत साबित होगा या नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। मुसरत, आपको क्या लगता है, मौलाना का काफिला जो है वो रवा दवाएँ अपनी मंजिल की जानेब, इस्लामाबाद में जो है वो कॉल भी दे दी गई, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि तालीमी इदारे बंद किए जाएं, आपको नहीं लगता कि मतलब तालीमी इदारे बंद करना और एहतजाज करना मतलब कितना बड़ा लॉस है? देखिए, एहतजाज करना तो जमहूरियत का हुस्न है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इफेक्ट हो रहे हैं तालीमी इदारे। देखिए, मैं बताऊँ, नहीं होने चाहिए। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये बताऊं कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, जो बोओगे वो काटोगे। यही जो अभी इस वक्त हालिया हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर इनका आप क्लिप्स कोई भी निकाल के देख लीजिए, तो यही अपने धरनों में कहा करते थे कि पुलिस मोबाइल या पुलिस वाले यहाँ से वही गुजरने देंगे हम जो हमारे साथ तावुन करेंगे, ठीक है, और बंद कर दो तालीमी इदारे, क्या हो गया बंद हो रहे हो तो। ये अल्फाज हुआ करते थे आरिफ अलवी साहब के, जो इस वक्त के हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट साहब हैं। तो कर दो बंद इदारे, क्या होता है, तालीम का नुकसान नहीं होता? उनके लिए कोई नुकसान नहीं है ना, क्योंकि उनके बच्चे तो यहाँ पढ़े तो नुकसान हो ना, उनके बच्चे यहाँ मौजूद हों तो उन्हें नुकसान हो, उन्हें पता चले कि गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा है और नहीं जा रहा, कॉलेज नहीं जा रहा, तो उसका कितना लॉस हो रहा है। उन्हें तो इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। नहीं होने चाहिए तालीमी इदारे बंद, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं इसके हक में ना कभी थी, ना कभी हूँ और ना ही कभी रहूँगी, क्योंकि मैं खुद तालीम के शोबे से मैं वाबस्ता हूँ, तो तालीम को तो फलता फूलता रहना चाहिए। रही बात धरने की, देखिए, अगर धरना दिया जा रहा है या वहाँ जलसा किया जा रहा है, तो मौलाना साहब बेहतर जानते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनका लाहे अमल क्या है, क्योंकि जो कमेटी है जो फैसला करेगी, अपोजिशन जमातें तो उनके साथ बिल्कुल तावुन करेंगी। मेरे चेयरमैन साहब ने भी यही कहा है और बाकी दीगर जमातों ने भी कहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो मौलाना साहब के मार्च की जो है वो कितनी हिमायत कर रही है, आपको क्या लगता है कितने जियाले जो हैं? देखिए, मौलाना के मार्च में शिरकत कर रहे हैं, आपको जब कराची से उन्होंने स्टार्ट किया है तो कराची में काफ़िले मौजूद थे। अगर ये इजाज़त दें मीडिया वालों को, कभी खुद ना बोलें तो पैमरा के थ्रू जो नोटिसेस आ जाते हैं, ये चीज़ें दिखाने की इजाज़त दे दें, तो उन्हें भी अंदाज़ा हो जाए कि जब हमने उन्हें सखर में अलविदा कहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें नज़र आते यकीनन कितने जियाले मौजूद थे, क्योंकि इनमें तो हिम्मत ही नहीं है। भाई, आप तो कहते हो कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बिल्कुल सही इंसान हूँ, तो अगर आप सही इंसान हैं और बाकी जो पहले की गवर्नमेंट्स थी वो सही सिम्त में नहीं थी, आप एक सही सिम्त में रहो तो सही सिम्त का तायुन कीजिए ना। नवाज शरीफ बकौल आपके आपका बदतरीन दुश्मन था, सियासी दुश्मन कह रही हूँ, खुदा ना खास्ता, वो बदतरीन सियासी दुश्मन था आपका, तो उस बदतरीन सियासी दुश्मन ने तो रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक भी, सुबह 5 बजे भी आप उठ रहे हैं और कंटेनर पर आ रहे हैं, तो सब कुछ दिखाया, सब कुछ बर्दाश्त किया और आपके नाश्ते हो रहे हैं तो भी दिखाया, आप लाइव प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो भी दिखाया, आप तो पैमरा के थ्रू जो है ना पूरी स्पीचेस आपके कंटेनर्स पे पूरी स्पीचेस दिखाई, इवन के आपके जो गाने के सेशन चल रहे होते थे वो तक आपके दिखाए, आपकी गालियों में जो आप लोग पीएचडी कर रहे थे वो दिखाई, मतलब किसी चीज़ को तो उन्होंने नहीं ब्रेक किया कि ये चीज़ गलत हो रही है, यहाँ ऐसा ना हो, उन्होंने तो आवाम को दिखाया कि भाई ये क्या लोग हैं और क्या कर लेंगे, लेकिन आवाम तो समझ चुकी थी, फिर भी सिलेक्टेड हो गए। जब सिलेक्टेड हो गए, हमारी आवाम ने भी ना कहा कि चलो चांस दे के देखना चाहिए, आवाम ने चांस दिया। चलें जी, हम मान लेते हैं कि आवाम ने चांस दिया, क्योंकि आवाम जो है ना हमारी काफी अब थक चुकी थी, वो कहती थी अब चलें जी, ऐसा आए चलें 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 आवाम के लिए, चलें जी आवाम थक गई थी, अब तो आवाम की थकावट दूर हो गई काफी हद तक, अब तो आवाम थकावटें सारी खत्म हो गई है। देखिए ना मुसरत, अभी हुकूमत को इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है अभी थोड़ा सा और टाइम दे के देखना चाहिए? देखिए कोकब, हमने नहीं कहा था कि आप 100 दिन का एजेंडा दें, हमने नहीं कहा था कि आप ये कह दें कि पहले दिन $200 अरब आ जाएंगे, इंशाल्लाह 100 दिन के अंदर ये हो जाएगा,
भाई हमने तो नहीं कहा था आपको, आपने सब कुछ कहा, तकरीबन 1.5 साल होने को है, चले 1.5 साल नहीं 15 माह तो होने को है ना आपको, 15 माह में कोकब बात वही डायलॉग्स की हो जाती है, कोई एस सिम्प बता दें जिसमें आप ठीक है, चलें जी आपके साथ जो काब आप पहली दफ़ा आए हो, वज़ीर आज़म साहब या प्रेसिडेंट साहब पहली दफ़ा आए, बाकी जो आपके लेफ्ट राइट के चारों तरफ दरमियान में आप सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म है, बाकी चारों तरफ का जो घेराव है वो तो आपके लोटों का है, उनसे ज्यादा तजर्बाकार तो कोई है ही नहीं है, तो फिर कोई एक सिम्त कोई एक डायरेक्शन तो आपकी ऐसी होती जो इस आवाम के लिए सहूलत का बाइस बनती, जिसमें आवाम प्लस सिलेक्टेड आपको करने वाले लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये ठीक है, पुरानी गवर्नमेंट्स जो थी वो ठीक अच्छा यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी जो है मौलाना के आज़ादी मार्च की जो है उससे हिमायत कर रही है भरपूर किस्म की, और नून लीग भी कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी इससे फ़ायदा उठाएगी, शरीक चेयरमैन जो हैं उनकी आज़ादी का मुतालबा करेगी? देखें ये तो इनकी सोच है, ये तो इनकी सोच है कि कभी कोई शोशा छोड़ देते हैं, देने के लिए कुछ तो मनाना भी पड़ेगा, कोई कभी कोई शोशा छोड़ देते हैं कभी, देखें जमहूरियत के अंदर जहाँ इनके सियासी कज़न ताहिरुल कादरी साहब थे, तो इन अगर जब इन्होंने धरना दिया था तो ये एक साथ अगर हुए थे तो क्या सियासी फ़ायदा उठाया गया, क्या मॉडल टाउन का जो सानिया था क्या उसके ऊपर इन्होंने स्पीड दिखाई? हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, और देखें हम पीपल्स पार्टी ने तो डिक्टेटर्स को मुँह दिया है, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ़ हो चाहे ज्यादा सा डिक्टेटर हो, हमने तो उनको मुंह दिया है, आप तो नाम के ही सही जमहूरियत मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप किस खेत की मूली हैं कि हम आपको कहें कि हम आपसे रिलीफ मांगने चलेंगे, हम आपसे कहेंगे कि आप रिलीफ दें, आपने तो रिलीफ जिन्हें देना था दे दिया, तरीन साहब जो ना अहल है तो लेकिन आपको तो क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी कोई मुतालबा नहीं करना चाहती? देखें हमारा कोई मुतालबा नहीं, हमारे जितने मुतालबात हैं वो आवाम के लिए हैं, और हम तो इस देखिए अगर मुतालबात की बात होती तो मेरे चेयरमैन ने पहली स्पीच में अपने कह दिया था कि अगर ये आवाम के लिए या बेहतर काम करेंगे तो मैं इनका साथ दूंगा, हर पॉजिटिव साइड में मैं इनके साथ रहूँगा, अब तक पॉजिटिव करेंगे ही नहीं तो आवाम हमसे, देखिए अगर अपोजिशन पार्टीज़ को आवाम ने वोट अगर दिए तो वो भी आवाम के नुमाइंदे, वो आवाम में जाके क्या मुंह देंगे कि इतना कुछ होता रहा है, महंगाई होती रही, हम चक्की में पिसते रहे, आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए आवाज उठाई, तो हमारा मकसद तो सिर्फ आवाम के लिए नहीं तो हमारे लीडरान में से, देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, खुर्शीद शाह साहब हैं, उनके ऊपर इन्होंने लगाया 500 करोड़ की इन्होंने एलिगेशन लगाई, वो इन्वेस्टिगेशन होगी वो इतना श्रिंक हो गए कि वो 50 करोड़ हो गए, फिर थोड़ा और जोर लगा लिया इन्होंने, फिर वो इतने श्रिंक हो गए कि वो एक घर पे आ गए, अब उम्मीद है कि अगर इंसाफ से सही तरीकों से और तकाजों से किया जाए तो वो देखिए वो पॉलिटिकल वर्कर है, उसे पता है कि सॉरी उसे झुकना नहीं है, जब झुकना नहीं है तो आप चाह रहे कोई एलिगेशन लगा लगा के उन्हें हम बिठाते रहे झाग की तरह बैठ जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समंदर है, झाग है, आपका सुनामी नहीं है कि सुनामी बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाए, ये वो समंदर है जो आवाम का समंदर है, और जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहे भुट्टो साहब के दौर में चाहे आप बीबी साहिबा के दौर में देख लें चाहे जरदारी साहब के दौर में देख लें, हमने अगर कोई भी कदम उठाया है तो पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, वो कदम किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं उठाया होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी मुझे कोकब दिखा दीजिए, इंडिकेट कर दीजिए जो ये कह रही हो कि पहले जानों के नजराने कायदीन पेश करेंगे फिर आवाम पे बारी जाएगी, कुछ थोड़ा सा इन लोगों को सोच के कहा करें पार्टी, ये कहते हैं जी जरदारी साहब माइनस कर दिए जाए, भाई जरदारी साहब ने 18 अमेंडमेंट दी है तो खुद सिर्फ सुबह सिंध को तो खुद मुख्तारी नहीं दी, चारों सूबों के लिए दी, चारों सूबों के लिए दी, तो केपीके में उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी, अगर आप लोगों की गवर्नमेंट थी या पीपल्स पार्टी की नहीं थी तो
कहीं भी किसी की भी पीपल फर्ज करें जमात इस्लामी की है, नून की है, पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ सुबह से इनको दिया जाए, उन्होंने चारों सूबों को खुद मुख्तारी दी, जायज़ खुद मुख्तारी दी, लोगों के लिए तालीम के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स रखे, जो बेज़मीन हारी ख़वातीन थी उन्हें ज़मीनें अलाट की गई, ये सब चीज़ें, ये सारे का सारा, अगर हमने ख़वातीन को एम्पावर किया है तो हम एक खातून को जो है ना पार्लियामेंट के अंदर मतलब सेनेट के अंदर उनका अपोजिशन लीडर बनाने जा रहे हैं, बनाते हैं, ख़वातीन रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं कि यहाँ पे ख़वातीन आज़ाद होंगी, ख़वातीन एम्पावरमेंट में होंगी तो बेहतरीन आएगा, उनको फ्रीडम मिलेगा, उन्हें आज़ादी में, आप अगर कहते हो तो किसी एक सूबे के अंदर कोई वज़ीरे आला बना देते खातून को, किसी को आप गवर्नर बना देते, किसी को आप स्पीकर बना देते, चल डिप्टी स्पीकर बना दे, कुछ तो कहते, तो हम कहते कि आपने ख़वातीन के लिए कुछ किया है, आपने लोटी उठा के फिरदौस आशिक आवान की सूरत में रख दी, जो कोई ऐसा नहीं है जिस पर का निशाना ना तनकीद का, जिसके साथ होती है वो उसका बॉस है, क्योंकि वो उसको वो सब कुछ दे रहा होता है सहूलतें, और जिसके साथ नहीं होती उसके ऊपर उसकी टैंटें शुरू हो जाती है। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है मुसरत के मौलाना साहब का आज़ादी मार्च जो है कितना कारामत साबित होगा? क्या कहेंगे? जिस तरह से आवाम है उनके साथ, और सिर्फ उनके लोग नहीं है, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं, जिस तरह आवाम का सही मानों में समंदर उनके साथ चल रहा है, कारवां उनके साथ चल रहा है, बहुत बड़ा कारवां उनका रवा दवा थी मंजिल की जाने, देखिए मंजिल की जाने, तो इनकी जो दीवारें हैं, जो कच्ची दीवारें हैं, पक्की दीवारें हम इसलिए नहीं कह सकते कि क्योंकि ये सियासी लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो किसी को गिराने वाले, जो दूसरों को कहते थे हम आपको गिराएंगे, ये अपोजिशन के लोगों को गिराने वाले लोग हैं, लोगों को खरीदने वाले लोगों के जहन है इनके, तो इनकी दीवारें तो बड़ी कच्ची हैं, ये तो बहुत फौरन ढेर हो सकती है, जिस तरह उन्होंने किए, अगर ये कभी भी इनका एजेंडा, मैं समझती हूँ कि ना होगा ना हो, अच्छा, हो सकता है, अच्छा, क्योंकि पार्लियामेंट पे ये हमला नहीं करने वाले, पुलिस वालों को ये नहीं मारने वाले, और ना पीटीवी पे ये हमला करने वाले, कि सारा कुछ तो आपने करके देख लिया, तो ना गालम गलोच करने वाले ये लोग हैं, तो बड़े मुहज़्ज़िब किस्म के लोग हैं जो तजर्बा कार भी हैं और समझते हैं कि हमारे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना साहब की जान को भी खतरात लहाते हैं, अल्लाह हर एक को हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह पाक उनको भी सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन यही अल्फाज जो है ना इमरान खान साहब के लिए भी हुआ करते थे कि इनको खतरात लाहक है, तो वो कहते थे मुझे अगर कुछ हुआ तो उसके जवाबदार वज़ीर आज़म होंगे, तो अगर इनको भी अल्लाह ना करे कुछ होता है तो उसके जवाबदार वज़ीर आज़म साहब होंगे। सही। यहाँ वक्त लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक का।